पंजाब में संसद के अंदर का बताएंगे चतुर्दशा मन विश्वास के अगले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के विषय में लिखाऊंगा। प्रश्न से प्रश्न चौथा और प्रश्न पांचवा चौथा प्रश्न लिया गया है आशय बताइए काका काका पिता पिता काका काका पिता पिता तो इसमें से आपको आशय बताइए मैंने आपका जो लिखा हुआ है काका काका पिता पिता का क्या आशय है उसको हिंदी में बताना है।
यही था पहचान कब होती है? बसंत ऋतु में होती है। बसंत ऋतु में इस ऋतु की पहचान बसंत ऋतु में होती है।
received there. अर्थात कोयल की मधुर आवाज हमें सुरीली और सुंदर लगती है, हमारे कानों में हम सुनना चाहते हैं, किंतु कौवे की काम वापसी कर्तक आवाज हम नहीं सुनना चाहते। उस समय दोनों का पता चल जाता है कि कौन सा कौवा है और कौन सा कोयल है। फिर आता है काका काका पिता पिता, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। नंबर है मां सबसे कुछ भाग हवे, भान भंगे। इसका अर्थ है संसार में कोई भी दुखी ना हो, मां सबसे सुख भान भवे। मां सबसे सुख भान भवे, कोई भी दुखी ना हो। सर्वे भद्रान पश्यन्ति मां पश्यति सुभाग भवे। बराबर है सभी सुखी रहें, सभी लोग सुखी रहें, कोई दुखी ना हो।
तो खुला हो। एक यह बताया गया है
Thank you.
दस की नी दस की वनी पतले पतले धागों से बनी हुई मजबूत रस्सी जो क्या करती है, एक अपवाले हाथी को बांध देती है, अर्थात पतले पतले धागों से रेशों से बनी हुई रस्सी ऐसी ताकत आ जाती है संगठित होने से कि वह एक अपवाले हाथी को बांधने में सक्षम हो जाती है। इसलिए हमें छोटी वस्तुओं का त्याग नहीं करना चाहिए। छोटी वस्तुओं का जो है उन्हें तुच्छ नहीं मानना चाहिए, उनका उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत काम में आती है। आप कह दिए बच्चों, तो आज हमारा जो पाठ है ये चौथा पाठ का जो चौथा प्रश्न था वह आशय बताइए संपूर्ण होता है। अब इसके आगे कल आपको बताएंगे। धन्यवाद। नमस्ते।